इतना महाराष्ट्र में लोगों से क्या फील करेंगे? देखिए, सारी दुनिया इस वबा का मुकाबला करने से बेबस है, किसी के पास कोई दवा नहीं है। आज तक सारी दुनिया जो बात कह रही है वो एक ही है कि इज्तिमाईयत नुकसानदेह है और फासला बनाए रखना ज़रूरी है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, सब ने मिल कर के सारी दुनिया के अंदर ये फैसला किया कि इज्तिमाईयत मजहबी मकाम पर होती है, मस्जिद के अंदर भी होती है। इस बुनियाद के ऊपर जमातें मस्जिद के अंदर न की जाएं बल्कि अपने घरों के अंदर पढ़ें। चुनाचे उसके ऊपर हिंदुस्तान में भी अमल हो रहा है। अब सामने रमज़ान का महीना है जो बड़ी खैर व बरकत का महीना है और मुसलमान अल्लाह की रहमत और उसकी मगफरत को हासिल करने के लिए रमज़ान में इज्तिमाईयत करते हैं और मस्जिदों के अंदर मजमा होता है। लेकिन चूंकि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और मर्ज हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है, बचने के लिए ये ज़रूरी है कि तरावी का एहतमाम ख़ास तौर पर, जिस तरह हम अब तक मस्जिदों से अलग होकर के जमात करते हैं, इसी तरह तरावी को भी अपने घरों के अंदर पढ़ा जाए। मस्जिद के अंदर सिर्फ इमाम और मुअज्जिन और ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन आदमी अगर पढ़ लेते हैं कोई हरज की बात नहीं है। चाहे तरावी अलम तरकीब से पढ़नी पड़े या पूरा कुरान अगर कोई हाफिज है तो वो पूरे कुरान को पढ़े, लेकिन इज्तिमाईयत के साथ नहीं, वरना इस मर्ज के ऊपर काबू पाना बड़ा मुश्किल है।